लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। टीम इंडिया की ओर से खेल चुके गौतम गंभीर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए एसआई अब्दुल रशीद की बेटी जोहरा की मदद के लिए आगे आए हैं। दिल्ली के क्रिकेटर गंभीर ने मंगलवार को जोहरा की पढ़ाई का खर्च उठाने की बात कही। उन्होंने ट्वीट के जरिए अपने इस फैसले की जानकारी दी। अब्दुल रशीद की बेलखती हुई बेटी की इस फोटो ने हर किसी को भावुक कर दिया था। सोशल मीडिया पर देश भर से लोग बच्ची जोहरा के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। अपने ट्वीट में गंभीर ने लिखा, जोहरा प्लीज इन आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने दो। मुझे शक है कि धरती माँ भी शायद इस दर्द का बोझ उठा पाए। तुम्हारे शहीद पिता को सलाम। एक अन्य ट्वीट में गौतम गंभीर ने लिखा है, जोहरा मैं लोरी गाकर तुम्हें सुला नहीं सकता, लेकिन मैं आपके सपनों को साकार करने में मदद करूंगा। आपकी शिक्षा के लिए ताउम्र मदद करूंगा। गौरतलब है कि गंभीर इससे पहले छत्तीसगढ़ में अप्रैल में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के परिवारों की मदद के लिए आगे आए थे। उन्होंने शहीद 25 जवानों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च गौतम गंभीर फाउंडेशन के जरिए वहन करने का ऐलान किया था। गौतम गंभीर इस समय भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में वे कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के कप्तान हैं। उनकी कप्तानी में हाल के वर्षों में केकेआर की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है।